साथ नहीं देता तो क्या हुआ? खुद से खुद को बेहतर कोई नहीं समझ सकता। दोस्तों, स्वागत है मेरे YouTube चैनल नॉलेज स्ट्रीट में, और फिर से मैं आप लोगों को एक प्रेरणादायक कहानी लेकर आ चुकी हूँ, जो आज बताऊंगी कि अगर कोई आपका साथ नहीं देता तो क्या हुआ। ये कहानी में आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगी, सो वीडियो को फर्स्ट से लेकर लास्ट तक ज़रूर देखिएगा ताकि आपको अच्छे से समझ में आ सके। और चैनल पे न्यू है तो बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा और सब्सक्राइब कीजिएगा ताकि मैं इसी तरह का वीडियो आपके लिए लाती रहूँ। सो दोस्तों, एक बार की बात है, एक व्यक्ति कहीं वन से गुजर रहा था। वहाँ से बहुत सारे कुटिया थे जहाँ पे बहुत सारे साधु संत थे। वह व्यक्ति अकेले ही एक वृक्ष के नीचे बैठ गया। एक साधु ने उसे देखा तो पूछा कि क्या हुआ, अकेले क्यों बैठे हो? उस व्यक्ति ने कहा, क्या करूं महाराज, मैं अकेला हूँ, कोई हमारा साथ नहीं देता। साधु ने कहा, कोई साथ नहीं देता तो क्या हुआ? तो उस व्यक्ति ने कहा, तो क्या हुआ महाराज, मैं अकेले ही यहाँ पे बैठा हूँ, कोई साथ हमारा नहीं देता, दुख में भी नहीं सुख में भी नहीं, अकेला ही रहता हूँ। उस महाराज ने कहा, तो क्या हुआ, तुम खुद को खुद से बेहतर कोई नहीं समझ सकता, तुम अकेले हो, किसने कहा तुम अकेले हो, तुम्हारे पास सब कुछ है, तुम्हारे साथ सब कुछ है, तुम अकेले नहीं हो। उस व्यक्ति ने कहा, कैसे महाराज? उस महाराज ने उस व्यक्ति को बहुत ही विस्तार से समझाया, देखो खुद ही सब कुछ हो, तुमने खुद ही सब कुछ है, खुद को बेहतर और कोई नहीं समझ सकता तुम्हें, तुम्हें किसी और की ज़रूरत नहीं, खुद को पहचानो, खुद को महसूस करो कि मेरे पास सब कुछ है, मेरा हर कोई साथ देता है। ऐसे सोचोगे तो तुम्हें ये दुनिया हसीन लगेगा। हमेशा सकारात्मक सोचो, नकारात्मक नहीं। दोस्तों, खुद को खुद से बेहतर कोई नहीं समझ सकता, कोई साथ नहीं देता सिवाय मेरे अलावा, यानी मैं जो शब्द है ना, वो बहुत पावरफुल है। इस शब्द को हमेशा इस्तेमाल कीजिए कि मैं ही सब कुछ हूँ, कोई साथ नहीं देता तो क्या हुआ, मैं ही साथ दूंगा खुद को। उम्मीद है दोस्तों आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कमेंट शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा। फिर मिलते हैं एक नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।